शिवरात्रि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आप लोग को पता ही है फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है एंड अब मैं आप लोग के साथ बहुत सारी हॉल वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो है, आप लोग को टाइटल से पता ही चल गया होगा, सरोजनी हॉल वीडियो होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। और सरोजनी की एक बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी बात है, वहाँ पे आपको अफोर्डेबल कपड़े मिल जाते हैं और ट्रेंडी क्लोथ्स मिलते हैं, जो भी समर के हों या विंटर के हों फैशन के लिए वो स्टाइल कर सकते हो। वो कपड़े ऐसी मार्केट है, वहाँ पे सारे स्टफ्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मेकअप हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो, या आपको होम डेकोर करना हो, तो आपको वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आप दिल्ली से हो तो वो सब तो जानते ही हैं, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो प्लीज़ सरोजनी ज़रूर विज़िट करना। बट वहाँ पे आप अपने बैग्स कैरी बैग खुद ले जाना, क्योंकि उनकी जो पैकेट होती है वो बहुत ही पतली होती है और वो फट जाती है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो आप खुद से कैरी बैग एक अच्छा सा ले जाओ और अच्छे से शॉपिंग करो। देखो जो सारी चीज़ें समझ आई अपने अकॉर्डिंग, उन्होंने वो सारी चीज़ें खरीद ली। वो सारा मिक्सचर है, लाइक ठंडी का भी है, गर्मी का भी है, और बैग्स हैं, ज्वेलरी हैं, तो जो जो उन्हें समझ आया वो उन्होंने ख़रीदा। सो सरोजनी में ऐसे पैकेट्स मिलते हैं जो कि बहुत ही पतले होते हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप खुद का एक कैरी बैग अच्छा सा मजबूत सा लेके जाओ और अच्छे से शॉपिंग करो, क्योंकि ऐसे पन्नी तो फट जाती है, वहाँ पे पन्नी ही मिलती है। और भी सारे थे बट वो फट चुके हैं, और भी अभी हैं काफ़ी कपड़े और बैग्स हैं, तो वो सारे फट चुके थे तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। और अभी मैंने ट्राई भी नहीं किया है, तो मैं ट्राई भी करूँगी, बट वो मेरी वीडियो शॉर्ट वीडियो में आएगी तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो मैं बारी बारी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ, पूरा रेनबो कलर में है इसका जो पूरा स्ट्रिप्स, ये बेसिकली ये स्ट्रिप ड्रेस है और रेनबो टाइप की ड्रेस है, बहुत ही अच्छी है, बॉडीकॉन ड्रेस है, हाई नेक है और हाफ स्लीव्स है, और ये हाफ स्लीव्स में है और ये घुटने तक की आती है। इसका जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, और आप ये बॉडीकॉन है, जब आप पहनोगे तो अच्छे से आपकी बॉडी में शेप आएगा, तो मुझे बॉडीकॉन ड्रेस काफ़ी पसंद है। तो ये समर ड्रेस है, लेकिन आप विंटर में भी इसे अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, जैकेट या कुछ भी ब्लेज़र के साथ और नीचे बूट्स के साथ, तो आप अच्छे से पहन सकते हो। 100 रुपये में और क्या चाहिए, मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छा है, थिक है इसका मटेरियल, कोई पतला भी नहीं है, सी थ्रू भी बिल्कुल नहीं है, तो ओवरऑल मुझे तो ये ड्रेस काफ़ी पसंद आई है, लाइक समर वाइब दे रही है, इसे अच्छे से समर में पहन सकते हैं। तो दूसरा टॉप ये है, ये टॉप है, टैंक टॉप है, स्ट्रिप्स हैं और सिंपल है लेकिन बहुत ही सोबर है, आप जीन्स पे पेयर कर सकते हो, स्कर्ट पे पेयर कर सकते हो। इसका मटेरियल भी काफ़ी थिक है, सी थ्रू नहीं है, बहुत ही अच्छा टॉप है, इसे आप समर में पहन सकते हो या विंटर में भी पहन सकते हो, लेकिन ऊपर से आपको कवर करना पड़ेगा वरना ठंडी लग जाएगी। और पीछे से ये ऐसे है। सरोजनी में जब आप जाओ तो अच्छे से कपड़े को चेक करके लेना, क्योंकि कभी कभार स्टेन्स लगे रहते हैं या कपड़ा फटा रहता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप अच्छे से कपड़े को आगे पीछे से अंदर से भी चेक करना कि कोई दाग ना हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही यूज्ड कपड़े भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। और अपने साइज़ ज़रूर चेक करना, क्योंकि वो कोई ऐसा शॉप नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वापस रिटर्न करना है, तो वहाँ पर रिटर्न नहीं होता है। तो आप अच्छे से कपड़ा खरीदो, भले ही आप 100 रुपये में खरीद रहे हो या 50 रुपये में खरीद रहे हो, कपड़े को अच्छे से आप देख लो कहीं कुछ फटा वटा तो नहीं है या कुछ स्टेन धब्बा या दाग तो नहीं लगा है, क्योंकि फिर वो रिटर्न नहीं होते। देन ये टॉप है, ये टॉप भी बहुत ही अच्छा है, ये टैंक टॉप है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी पतला है लेकिन पहनने में बहुत ही अच्छा लुक आता है, लाइक स्मार्ट लुक आपको देगा, तो आप अच्छे से गर्मी में आप पहन सकते हो, और ये लूज़ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और आप बार्गेनिंग भी अगर करोगे उनसे तो वो आपको कम करेंगे, लेकिन ये फिक्स्ड प्राइस में का था जो बाहर लगी रहती हैं, तो ये उसमें का टॉप है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया ये टॉप, 50 रुपये में और क्या चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है सरोजनी में। आप सरोजनी में बार्गेनिंग ज़रूर करना, अब जिनका फिक्स्ड प्राइस है तो वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जहाँ आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो अच्छी खासी बार्गेनिंग आप करो।
मैं तो बार्गेनिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बट मेरी सिस्टर वो बहुत ही अच्छी हैं, तो वो बार्गेनिंग अच्छा खासा कर लेती हैं। तो बार्गेनिंग स्किल आपको आनी चाहिए, तो ताकि आप जाओ तो आपको अच्छे कपड़े मिल जाएं, वो भी कम प्राइस में, और वहाँ मिल भी जाएंगे अगर आप आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको मिल जाए। ट्राउज़र चाहिए था तो दी वहाँ से ये ट्राउज़र लाई है, ब्राउन कॉफ़ी ब्राउन कलर का ट्राउज़र है और काफ़ी अच्छा है, इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और नीचे से पैरलर है, आपको अच्छा सा लुक भी देगा। आप इसे ऑफिस में पहन सकते हो या कॉलेज में पहन सकते हो या किसी पार्टी में पहन सकते हो, अच्छे से ये फॉर्मल लुक, अगर आपको फॉर्मल लुक पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा वाइब देगा फॉर्मल लुक को, क्योंकि फॉर्मल पैंट्स ही बहुत ही अच्छे चलते हैं आजकल, ट्राउज़र्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, वो भी ट्रेंड में चल रहे हैं। इसका प्राइस है 100 रुपीज़, तो वर्थ इट है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। तो ट्राउज़र में दो मंगवाया था, एक ब्लैक ट्राउज़र है, ये पेंसिल ट्राउज़र है नीचे, और नीचे से स्लिट कटी हुई है, तो इसे अगर आप चाहो तो एंकल लेंथ में नीचे से कटवा सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे से पेयर कर सकते हो टॉप के साथ या शर्ट के साथ या स्वेटर के साथ भी आप इसे अच्छे से पेयर कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्ट लुक देगा। और एक चीज़ और, जब आप ट्राउज़र्स ले रहे हो या जीन्स कुछ भी आप वहाँ ख़रीद रहे हो तो आप अपना साइज़ ज़रूर अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मतलब पैंट के साइज़ थोड़े अलग होते हैं, अगर आपका वेस्ट 28 है या 26 है तो आगे पीछे ना हो जाए साइज़, क्योंकि वहाँ पे जो शॉप वाले भैया होते वो बोलते हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आप अच्छे से चेक कर लो, नेक के पास अच्छे से चेक कर लो ट्राउज़र्स को कि ये मेरे फिट का है कि नहीं है। मेरी एक सबसे फेवरेट चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है ये हाई नेक स्वेटर। ओ गॉड, मुझे हाई नेक स्वेटर इतना ज़्यादा पसंद है, और ये दी को रैंडमली वो चलते चलते मार्केट में अचानक से उसे दिख गया एक नज़र में उसने वो ख़रीद भी लिया, और सिर्फ 100 रुपीज़ का, बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे मिल गई। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है, कहीं से भी इसका जो थ्रेड है बिल्कुल निकला नहीं है, अच्छे से चेक करके ही लिया है, और एक बार में ये मुझे भी बहुत पसंद आ गया, क्योंकि मुझे हाई नेक स्वेटर्स और बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो ये तो मेरा फेवरेट है इन सब में से। जो पहला बैग है वो है ये बेबी पिंक कलर का, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर लगा, आप इसे ऑफिस भी ले जा सकते हो, इसे आप पार्टी में भी ले जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो मुझे ये बैग बहुत ही क्यूट लगा है। अंदर काफ़ी स्पेस है, आपका अच्छा खासा मटेरियल आ सकता है, फ़ोन चार्जर और भी साइड मेकअप की चीज़ें, अंदर एक और चेन है, ये आपको दिख रहा होगा, अंदर एक और चेन है शायद पैसे रखने के लिए, तो ये बैग मुझे बहुत ही क्यूट लगा। सभ्यसाची का बैग, इसमें इसका लोगो भी बना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसके अंदर ये है, बाहर से चेन दिया है, और ये बहुत ही अच्छा क्लासी बैग है, इसे अगर आप कहीं जा रहे हो तो अच्छे से इसे आप कैरी कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लुक देगा, पीछे से ये ऐसा लग रहा है, आगे से ऐसा है, अंदर से क्वालिटी वाइज भी बहुत ही मजबूती से, और इधर साइड भी स्पेस है, और बीच में एक चेन दी हुई है, आप अपने पैसे रख सकते हो या कार्ड्स वगैरह कुछ भी रख सकते हो, तो बीच में ये चेन दी हुई है, अंदर से स्पेस काफ़ी है, आप छोटा मोटा सामान भी रख सकते हो, मेकअप से रिलेटेड कुछ भी, अपने कार्ड्स वगैरह रख लो या पैसे रख सकते हो, तो ये बैग बहुत ही मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया। अब मैं आपको ज्वेलरी दिखाऊंगी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, मैंने पहना भी हुआ है ये कड़ा, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का है, अगर आप कुछ सूट या साड़ी कैरी कर रहे हो तो अच्छे से आप इसे पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे, पैटर्न मिलेगा अलग अलग टाइप के, बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, और मुझे अब तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से प्यार हो चुका है। जो दूसरा कड़ा है ये है, पैटर्न बहुत अच्छा है, काफ़ी यूनिक सा है, अच्छे से अगर आप पहनते हो ना तो बहुत ही अच्छा लुक देता है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया, ये दोनों लुक भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। देन तीसरी चीज़ है वो ये है, ये भी बहुत ही अच्छे पैटर्न में है, काफ़ी अच्छा वर्क है,
और डैमेज बिल्कुल नहीं, कि कहीं कहीं आप जब लेते हो ना तो देख लेना इसके घुंघरू निकले रहते हैं कहीं कहीं, क्योंकि सरोजनी में ऐसा होता है कि बहुत सारी टूटी फूटी, क्योंकि लोग फेंकते हैं। जब आप चीज़ें लेते हो ना तो अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि आप कुछ भी ले रहे हो तो अच्छा लो, कहीं पैसे वेस्ट मत करो। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे आप अच्छे से सूट पे या ये आप वेस्टर्न पे भी अच्छे से कैरी कर सकते हो, बोहो स्टाइल में बहुत ही अच्छा लगेगा ये। दूसरा है ये मिरर वर्क में, छोटे छोटे मिरर लगे हुए हैं और छोटे छोटे डिज़ाइन बनी हुई है, पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो जल्दी ही मेरे शॉर्ट वीडियो भी आएंगे इन सब से रिलेटेड, और मैंने कुछ कुछ चीज़ें पहनी भी हुई है। गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, आप लोग एक बारी ज़रूर विज़िट करना, जो दिल्ली से नहीं है वो सरोजनी नगर ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उस मार्केट में जाकर, और वहाँ पर आप देखना बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी वहाँ पर मिलने के लिए, हर टाइप की चीज़ें आपको मिलेगी। सो एक बारी ज़रूर विज़िट करना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।